हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम सीखेंगे कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग जो दोस्तों आपने अभी स्टार्टिंग में देखा। दोस्तों, इस तरह का कलर चेंज बैकग्राउंड वाला वीडियो काफी चल रहा है, तो दोस्तों मैंने इसका ट्यूटोरियल भी काफी प्रैक्टिस करने के बाद तैयार कर लिया। दोस्तों, अगर दोस्तों आप इस तरह का वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, जब जाके आप इस तरह का वीडियो बना पाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो फुल वॉच करना है, जब जाके आप इस तरह का वीडियो बना पाएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया अपने मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों मोबाइल स्क्रीन के आने के बाद दोस्तों आपको एलाइट मोशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों अगर आपके पास नहीं है तो दोस्तों इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों आपको इस बीच में प्लस वाले बटन पर आपको टैप करना है। इसके बाद दोस्तों आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है 9:16 का। इसके बाद दोस्तों रेजुलेशन फ्रेम रेट बैकग्राउंड सब यही रहने देना है, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाके आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरह से फिर से पेज खुल जाएगा। तो इसके बाद आपको प्लस पे टैप करना है। इसके बाद दोस्तों आपको ये वाला एरो सिलेक्ट करना है, फिर इसको इस तरह से नीचे खींचना है, फिर बीच में टैप करके इस तरह इसे खींच देना है। इसके बाद दोस्तों आपको इसी पे टैप करना है, सॉरी गाइस, पहले ऑडियो सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों ऑडियो सिलेक्ट करने के लिए आपको फिर से प्लस पे टैप करना है, फिर ऑडियो में जाना है। ऑडियो में जाने के बाद दोस्तों जो भी जिस सॉन्ग पे भी आप स्टेटस बनाना चाहते हैं वो सॉन्ग सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों इसके बाद आपको व्यू ऑल पे टैप करना है। तो दोस्तों यहाँ से आप वो सॉन्ग सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो दोस्तों मिल गया। इसके बाद इस प्लस पे टैप कर देना है। तो दोस्तों ये यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसे बैक कर देना है, फिर आपको आप जितने भी सेकंड का बनाना चाहते हैं उतना सेकंड सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं 30 सेकंड का बनाऊंगा, दोस्तों इतना मैं रख लूँगा। इसके पीछे वाला भाग कट कर सकते हैं इस। तो दोस्तों पीछे वाला भाग कट करने के लिए दोस्तों इसी पे टैप करना है। इसके बाद दोस्तों इस वाले बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ से कट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इस बैकग्राउंड को 30 सेकंड तक लाने के लिए दोस्तों इसी बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ये बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये 30 सेकंड तक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको इसी बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों कलर एंड फिल में जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको फिर ये इधर साइड में इस पे जाना है, इस वाले कलर पे। इसके बाद दोस्तों आपको बीच वाले बटन पे टैप करना है। इसके बाद दोस्तों इसे बीच में ले आना है इस तरह से खींच के। दोस्तों इस तरह से इसे भी ले आना पास में। इसके बाद दोस्तों अत्य कलर चेंज करने के लिए तो दोस्तों ब्लैक की जगह आपको रखना है वाइट, और वाइट की जगह रखना है आपको पिंक। तो इतना करने के बाद आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद दोस्तों आपको फिर से फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो लगाने के लिए दोस्तों इमेज एंड वीडियो में जाना है। इमेज एंड वीडियो में जाने के बाद दोस्तों आपको जो भी बैकग्राउंड पहले से आपको कट कर लेना है। दोस्तों अगर आपको कटआउट नहीं आता दोस्तों इस पर भी मैं वीडियो पहले से बना रखा हूँ। तो दोस्तों ये सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे मूव एंड इस टूल में जाना है, मूव एंड ट्रांसफर में। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों इसे फिर आपको इधर ऊपर से तीसरे बटन पे जाना है, इसे फिर इसे जूम कर लेना है इतना इस तरह से। इसके बाद दोस्तों फिर से इस वाले बटन पे जाना है, फिर इसे इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। इतना होने के बाद दोस्तों फिर से आपको इसे पीछे जाना है, फिर आपको इसे 30 सेकंड तक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको एक स्मोक वाला वीडियो भी लगने वाला है, तो दोस्तों इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे सिलेक्ट कर लेना है ये वाला वीडियो। इसके बाद दोस्तों आपको फिर से मूव एंड ट्रांसफर वाले टूल में जाना है। इसके बाद आपको फिर से जूम वाले टूल में जाना है। इसके बाद इसे
इस तरह से जूम कर लेना है। 5000 लगभग, तो दोस्तों इतना रख लेना है। इसके बाद दोस्तों आप इसे इसी पे टेप करने के बाद आपको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लाइटन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद इसे स्क्रीन कर देना है। इसके बाद दोस्तों इसे फिर यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, कितना रखना चाहते हैं उतना। इसके बाद दोस्तों फिर आपको बैकग्राउंड में कलर डालना है। कलर डालने के लिए दोस्तों आपको बैकग्राउंड पे टैप करना है। इसके बाद दोस्तों आपको इफेक्ट वाले बटन पे जाना है टूल्स में। इसके बाद आपको ऐड इफेक्ट, इस पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे व्यू शिफ्ट वाला बटन दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इधर प्लस वाला पे टैप करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड में यहाँ पे एक टिक लग गया है। इसके बाद दोस्तों इसे इस तरह से आगे खसका लेना है। फिर आपको फिर से यहाँ पे प्लस का टैप लगा के बाद यहाँ पे इस तरह से खींच लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको फिर यहाँ से इस की को इस तरह से आपको खींच लेना होल्ड करके। तो दोस्तों इस तरह से आपको भी कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको धीरे से कर लेना है प्रोसेस। तो दोस्तों इतना करने के बाद दोस्तों आपको एक और PNG लगाना है। PNG फिर से लगाने के लिए दोस्तों आपको प्लस पर टैप करना है। इसके बाद इमेज एंड वीडियो में जाना है। इसके बाद दोस्तों इस तरह से आप भी जो भी PNG बना के लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों इसे एडजस्ट करने के लिए फिर से आपको मूव एंड ट्रांसफर में जाना है। फिर इस जूम वाले में जाने के बाद आपको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो कम्प्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आपको आप थोड़ा प्ले करके बता देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बन चुका है। तो दोस्तों यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उनको कट कर देना है यहाँ पे इस तरह से। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसको सेव करने के लिए दोस्तों ऊपर इधर टैप करना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा ही लगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन घंटी को ऑल पर जरूर सेट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।